अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और शैतान की शर से बचाए। दोस्तों, आज की वीडियो, कल मैंने एक बुक का थोड़ा इंट्रोडक्शन लगाया था, तारफ़ लगाया था, उसी बुक से है। छोटे छोटे वाक़यात हैं, दो तीन आपके साथ शेयर करूँगा। बड़े ही मकसद है कि ईमान अफरोज़ वाक़यात हैं, बंदे की सोच चेंज होती है और बंदा जो है ना सुन के बाद जो है ना, पहले बंदे के माइंड में नहीं होता, लेकिन बंदा छोटा से वाक्या सुनता है तो उससे इंसान छोटे छोटे स्टेप लेता है। बड़े बड़े स्टेप लेना तो बाद की बात है ना, इंसान छोटे छोटे स्टेप लेता है ना तो अल्लाह पाक उस पर जो है ना बड़ी रहमतें करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो है हज़रत इमाम हज़रत सैदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के बारे में, उनकी ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़ है। वैसे भी मुहर्रम के दिन हैं तो उन्होंने टॉपिक ये है कि खाना भी खिलाया, कपड़े भी पहनाए। तो वाक़ इस तरह है कि हज़रत सैदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि इमाम आली मुकाम हज़रत सैदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जौजा ने उनके पास पैगाम भेजा कि हमने आपके लिए लजीज खाना और खुशबू तैयार की है, अपने हम पल्ला लोगों को देखें और उन्हें साथ लेकर हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। तो हज़रत सैदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में गए और वहाँ जो मसाकीन और साइलीन थे उन्हें लेकर घर तशरीफ़ ले गए। हमसाया ख़वातीन भी आपकी जौजा के पास आ गई और कहने लगी, तुम्हारे घर तो मसाकीन जमा हो गए हैं। फिर हज़रत सैदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जौजा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, मैं तुम्हें अपने उस हक की कसम देता हूँ जो मेरा तुम पर है कि तुम खाना और खुशबू बचा कर नहीं रखोगी। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले मसाकीन को खाना खिलाया, फिर उन्हें कपड़े पहनाए और खुशबू लगाई। तो दोस्तों, ये छोटा सा वाक़या था, आपको उम्मीद है समझ आया होगा। दूसरा एक वाक़या है, वो और भी जो है ना, इससे भी जो है ना बड़ा मकसद है कि मज़ेदार है। हज़रत सैयदना हसन बसरी अलैह रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि एक साहिल ने लोगों से सवाल किया कि उसे कुछ खाना खिला दें। एक साहिल ने कुछ लोगों से सवाल किया कि उसे खाना खिला दें, लेकिन उन्होंने ना खिलाया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मौत के फरिश्ते को उसकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म दिया। वो जो साहिल था उसकी तरफ, मकसद अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आता है और उसकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म देता है। चुनांचे फरिश्ते ने उस फ़कीर की रूह कब्ज़ कर ली। तो दोबारा जब मौज़न मस्जिद में आया तो उस फ़कीर को मुर्दा हालत में पाया। तो मौज़न ने लोगों को ख़बर दी और लोगों ने चंदा करके उसकी तदफीन का इंतज़ाम कर दिया। मौज़न तदफीन के बाद मस्जिद में आया तो उसने देखा कि फ़कीर को दिया गया कफ़न मेहराब में मौजूद है और उस पर लिखा हुआ है कि ये कफ़न तुम लोगों को वापस किया जाता है, तुम लोग बहुत बुरी कौम हो। एक फ़कीर ने तुमसे खाना मांगा तो तुम लोगों ने ना खिलाया, यहाँ तक कि वो भूखा मर गया। मकसद कहने का आगे, हाँ बल्कि आगे लिखा है कि जो शख्स हमारे आबाब में शामिल हो हम उसे गैरों के हवाले नहीं करते। दोस्तों, इसमें जो बात समझने वाली ये है कि जब वो ज़िंदा था फ़कीर, ये वसाइल ज़िंदा था, उसने खाना मांगा तो किसी ने उसको खाना नहीं दिया। अभी जब मर गया, मकसद है कि बस गले पड़ गया, यह वाली बात हुई ना, तो बस चंदा इकट्ठा किया और उसका कफन दफन कर दिया। तो थोड़ी देर बाद जो है ना, जो अल्लाह का प्यारा था कोई, वो फ़कीर को अल्लाह का प्यारा था, थोड़ी देर बाद जब दोबारा वो जाता है मौज़न, तो क्या देखता है कि वहाँ पे जो है ना वो कफन वगैरह सारा कुछ वहाँ पड़ा होता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि तुम लोग बुरी कौम हो, एक फ़कीर ने तुमसे खाना मांगा, तुम लोगों ने ना खिलाया, यहाँ तक कि वो भूखा मर गया, और जो शख्स हमारे अबाब में शामिल हो हम उसे गैरों के हवाले नहीं करते। ये बात आप लोगों ने समझी? मकसद कहने का, जो हमें प्यारा होता है उसको हम दूसरों के हवाले, गैरों के हवाले करते। इन लोगों को अल्लाह ताला ने गैर कह दिया। सोचने वाली बात है दोस्तों, सोचने का मकाम है। देखें, कफन दफन कर दिए, चंदे इकट्ठे कर, सारा कुछ कर दिया, लेकिन देखें जब उसको खाने की ज़रूरत है, इतने लोग मस्जिद में आते जाते हैं, किसी में इतनी जरूरत और हिम्मत नहीं है कि उसको खाना खिला दें। तो ये खाना खिलाने के टॉपिक कुछ छोटे छोटे इसमें शुरू में हैं, तो ये मैं बार बार लगा रहा हूँ। तो ये जो है ना मकसद है कि खाना खिलाना ख़ास तौर पे बहुत ही सवाब और जो है ना उसका काम है।
इस तरह का एक छोटा सा वाक्या और ऐड करके फिर जो ना वीडियो ख़त्म करते हैं कि हज़रत सैयदना इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी अलैहि रहमतुल्लाह से मनकूल है कि एक औरत जैतून का तेल लेकर एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ की कि इस तेल को मस्जिद की रोशनी के लिए इस्तेमाल फरमा लें। बुज़ुर्ग ने इस्तफ़सार फरमाया कि तुम्हें इन दोनों में से कौन सी बात ज़्यादा पसंद है कि इस तेल से हासिल होने वाली रोशनी मस्जिद की छत तक जाए या फिर ये कि इसकी रोशनी अर्श तक जाए। बुज़ुर्ग औरत से कहते हैं कि आप इन दोनों में से बात कौन सी पसंद करते हैं, कौन सा ऑप्शन आपको पसंद है कि इसकी रोशनी सिर्फ छत तक जाए, मस्जिद की छत तक, या इसकी रोशनी अर्श तक जाए। औरत ने कहा कि इसकी रोशनी का अर्श तक पहुँचना मुझे ज़्यादा पसंद है। इरशाद फरमाया अगर इस तेल को मस्जिद की कंदील में डाला जाए तो इसकी रोशनी छत तक जाएगी और अगर किसी भूखे फ़कीर के खाने में डाला जाए तो इसकी रोशनी अर्श तक पहुंचेगी। फिर बुज़ुर्ग ने वो तेल फुकरा को खिला दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी सी छोटी छोटी, क्योंकि फिर लंबी हो जाती है तो फिर सुनना ज़रा किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो इतनी थी, तो इसमें छोटे छोटे वाक़यात हैं। तो दोस्तों ये जो है ना किसी को खाना खिला देना, किसी को जो है ना, मकसद ये कि ये चीज़ें बहुत ही अजर और स्वाब वाली हैं। फ़कीर अगर आपको रास्ते में कहीं मिलता है कि मैं भूखा हूँ खाना खिलाना, तो आप दो मिनट रुक के साथ करीब होटल देखें, उसको खाना खिला दें। पैसे देने के बजाय खाना खिला दें, उसका ज़्यादा स्वाब है। पैसे देंगे तो कोई पता नहीं वो कहाँ खर्च करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर आपके करीब कोई होटल है तो दो मिनट अगर आपके पास टाइम है आप रुक जाएँ, होटल वाले को पैसे दे दें कि इसको खाना दे दें जो कुछ इतना कुछ खाता है, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह इसका बड़ा स्वाब और अजर है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही थी, अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।